नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कविराज और आप देख रहे हैं इंडियन टाइम्स न्यूज। अभी मैं जहां पे अवस्थित हूं, ये बलथर थाना चौक है। अब आप समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाहता हूं, बताना क्या चाहता हूं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं बलथर हत्याकांड की कहानी बताना चाहता हूं, वो कहानी जिस कहानी में आगजनी होती है, जिस कहानी में गाँव के लोगों को मार मार के भगाया जाता है, जिस कहानी में थाने को जलाकर खाक कर दिया जाता, जिस कहानी में डर है, भय है और आपको बता दूं गुस्से का माहौल है और खौफ है। मैं अभी बलथर चौक पे हूँ और इस चौक का आप नज़ारा देख लीजिए कि एक भी दुकान खुला नहीं है। कैमरामैन भैया चारों तरफ घुमा दीजिए, एक भी दुकान खुला नहीं है। और आपको मैं बता दूँ, यह घटना होली के दूसरे दिन की है, मतलब होली दो दिन था, दूसरे दिन की बात है, जब गांव में डीजे बजाया जा रहा था और एक व्यक्ति को डीजे के संबंध में जो है उसको थाने में बुलाया जाता है और थाने में जो है उसको जो है मधुमक्खी काट लेती है। क्या काटती है? मधुमक्खी काटती है, मकड़ी नहीं काटती है। मकड़ी काटती तो स्पाइडरमैन बन जाता, लेकिन उसे क्या काटती है? मधुमक्खी काटती है। और उसको जो है सिकटा जो है जांच के लिए ले जाया जाता है। उसके बाद क्या होता है, क्या नहीं होता है वो आप जानते ही होंगे। उसके बाद जो है उसकी मौत हो जाती है, गांव के लोग भड़क जाते हैं, ये होना ही था। मौत होने के बाद गांव के लोग भड़कते ही हैं, तो गांव के लोग भड़क गए और वो इतना भड़के, इतना दहशत उनके अंदर आ गया कि वो गुस्सा आए, गाँव के लोग जो है थाने में आए और थाने को जलाकर खाक कर दिया। ये मैं नहीं कह रहा, शासन भी कह रही है कि गांव के लोगों ने ही आए और थाने को जलाया, लेकिन गांव के लोगों का ये कहना है कि प्रशासन के द्वारा उस व्यक्ति को जो है थाने में मारा गया है। अब हकीकत क्या है वो तो भगवान जानता है, हम उसके ऊपर छोड़ते हैं। बाकी दर्शक, आप लोग वीडियो देख रहे हैं, आप खुद कमेंट करके बताइए आखिर राज क्या है। लेकिन मैं यहाँ की स्थिति के बारे में बता दूं, कहानी बहुत बड़ी है, इतनी बड़ी है कि अगर मैं बोलना चाहूं तो रात हो जाएगा। मैं शॉर्ट में ही चलिए बताऊंगा। उसके बाद जो है लोगों में आक्रोश फैल गया, प्रशासन जो है कई लोगों को दौड़ा दौड़ा के मारी। कुछ ऐसी भी घटना हुई है जो मैं कैमरे के माध्यम से बयान नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास शब्द नहीं है कि प्रशासन के द्वारा है लोगों के साथ क्या किया गया, लोगों ने प्रशासन के साथ क्या किया। इतनी तना बनी हुई ये बात जो है संसद तक चला। आपको मैं बता दूं, यहाँ के माननीय विधायक वीरेंद्र गुप्ता जी ने बलथर थाना हत्याकांड मामले को है संसद तक पहुँचाया, वहाँ पे चीख चीख कर यहाँ के कहानी को बयां किया, जिस कहानी को आपने अपने टीवी के माध्यम से देखा होगा, यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख ही लिया होगा कि किस प्रकार वो संसद में जाकर आवाज़ उठाए। तो दहशत इतनी फैली है कि यहाँ पे एक भी दुकान जो है खुला नहीं है। अब ये दहशत, ये डर, ये खौफ का माहौल कब तक बना रहेगा? लोगों को जीने की जो है आज़ादी कब मिलेगी कि क्या इसी तरह जो है लोगों को घर में दुबक के रहना पड़ेगा, लोगों को घर के अंदर जो है बैठ के रहना पड़ेगा? आखिर कब तक? ये बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर कब तक लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने का मौका मिलेगा। अब आप खुद सोच लीजिए कि अगर लोग घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो उनका बसर कैसे होगा, वो खाना कैसे करेंगे, उनका रोजगार कैसे होगा? ये बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर कब तक, क्योंकि बलथर हत्याकांड का कहानी बहुत बड़ा है, उसकी कहानी में बहुत सारे पात्र जो है वो छिपे हुए हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस कहानी का हिस्सा है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस कहानी से गुम हो चुके हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने घर बार छोड़कर कहीं दूसरी जगह जाकर छिपने पर मजबूर हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं उन लोगों की कहानी सुनाऊंगा जो अपने गांव से कहीं जाकर छिपे हुए हैं, जिन लोगों को घर से मजबूर कर दिया गया है बाहर जाने के लिए, उन लोगों की कहानी लेके आ रहा हूं। तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए और कमेंट करके बताइए कि आप क्या जानते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं हमें, और मैं आपके कमेंट का इंतजार कर रहा हूँ। कैमरामैन भैया जी के साथ मैं सुनील कविराज और आप देख रहे हैं इंडियन टाइम्स न्यूज। जय हिंद।